शादी या विवाह हर किसी के जीवन में बड़ा दिन होता है, जिस दिन हम सभी के पास कुछ दिलकश योजनाएं होती हैं और शादी को यादगार बनाने के लिए हम काफी पैसा लगा देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर दूल्हा या दुल्हन शादी की तारीख के दिन कुछ पंगा करे और शादी कैंसिल हो जाए? अजीब लगता है ना। आज हम आपको कुछ ऐसे ही शादियों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ विवाहों पर एक नजर डालें जो अजीब कारण से रद्द की गई। कुत्तों के साथ कोई समझौता नहीं, यह है बंगलोर की एक शादी का किस्सा है। सुंदर और शिक्षित दूल्हा शादी के बाद एक कुत्ते के लिए सहमत नहीं था। लड़की को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो खुशी से अपने प्यारे दोस्त के साथ मंच से चली गई। पहले एक वॉशरूम बनवाओ। ये किस्सा कानपुर में एक शादी का है जो कि वॉशरूम से जुड़ा है। दुल्हन ने उस आदमी को छोड़ दिया और उस व्यक्ति के साथ चली गई जिसके पास अपने घर पर एक वॉशरूम था। रोशनी कहाँ है? यह माला समारोह था। दूल्हा पक्ष स्थल पर अधिक रोशनी चाहता था। दुल्हन के परिवार ने असहमति जताई और यह एक बड़ी मौखिक लड़ाई बन गई। जल्द ही शादी को भी बंद कर दिया गया। मोदी जी के खिलाफ कोई शब्द नहीं। मोदी जी की आर्थिक नीति के बारे में दूल्हा और दुल्हन के बीच गर्म बहस हुई। इस मुद्दे पर उनकी अलग अलग धारणाओं ने शादी की भारी विफलता को जन्म दिया। भाभी जी घर पर हैं। दूल्हे का उसकी भाभी के साथ एक अच्छा रिश्ता था। उन्होंने संगीत के टाइम नृत्य किया और उन्होंने उसे मंच पर चूमा। इससे दुल्हन के परिवार पर एक अप्रिय प्रभाव पड़ा और उन्होंने नए रिश्ते को तोड़ दिया। बिरयानी कांड। दूल्हे के परिवार को दूल्हे के शाकाहारी होने का पता नहीं था। खुशी और उत्साह से भार उन्होंने उपहार के रूप में 30 किलोग्राम चिकन बिरयानी भेजी। इस दिन दूल्हे के परिवार ने इस पर लड़ाई लड़ी और आयोजन को बंद कर दिया गया। एक आइटम डांस। यह फिरोजपुर में एक दूल्हे की फरमाइश थी जो उसने अपनी दुल्हन से की थी। उसने दुल्हन को आइटम नंबर पर डांस करने को कहा था, लेकिन लड़की ने स्वाभिमान से इनकार कर दिया। इससे उनकी शादी रद्द हो गई। नीचे झुकना या शादी तोड़ो। घटना के समय दूल्हे के दोस्तों ने उसे चुपचाप उठा लिया। लड़की ने उसे माला पहनाने के 3 प्रयास किए, लेकिन असफल रही। उसने चुपचाप मंच छोड़ दिया और शादी टूट गई। फोटोशॉप गलत हो गया। यह आगरा में एक अरेंज मैरिज थी। दुल्हन ने लड़के की फोटो देखी थी, लेकिन शादी वाले दिन जब सामना हुआ तो पाया कि पुरुष कुरूप और वृद्ध थे। यह देखकर बहनों ने शादी तोड़ दी। क्या आपने मैथ्स क्लास को बंक किया है? शादी के दिन लड़की को उसके जीवन साथी के निरक्षर होने की जानकारी दी गई। उसने उसे 6 में 15 जोड़ने के लिए कहा। उस आदमी ने 17 को उत्तर दिया। वह सीधे चली गई और शादी तोड़ने की घोषणा कर दी।